हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आपके सारे बहुत अच्छे होंगे। ये अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और इस वक्त हूँ मैं दत्तनगर में। मैं जो हूँ पिछले कल ही दत्तनगर आ गया था। फिर हम लोग रामपुर भी गए थे। आप लोगों ने भाभी का ब्लॉग देखा होगा कि इनकी पहली पेमेंट आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो हम पार्टी करने भी गए थे, थोड़ा सामान लेने, तो आपने इनके ब्लॉग में देख लिया होगा। तो आज है संडे, तो आज मैं जा रहा हूँ वापस सोलन। तो मैंने जो है कैब बुक की है, ब्ला ब्ला ऐप है, तो उसे मैंने कैब बुक की है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सीधा उसमें ही जाऊँगा सोलन के लिए। अगर जैसे आप लोग लॉन्ग ट्रैवल करते हो, किसी को ऐसा लगता है कि बस में ट्रैवल नहीं करना है, गाड़ी में ट्रैवल करना है, तो आप जो है ब्ला ब्ला ऐप डाउनलोड कर लेना। उसमें फिर आप लोकेशन डाल देना, जैसे मैंने डाली थी रामपुर टू सोलन। आपने चंडीगढ़ जाना हो या फिर कहीं और जाना हो, शिमला जाना हो, तो आप उसमें अपनी लोकेशन डाल देना कहाँ से कहाँ को जाना है। तो उसमें आपको फिर कैब्स मिल जाएगी, आप उसको बुक करना है। और फिर उसमें टाइमिंग होती है कितने बजे जाएगी कितने बजे नहीं जाएगी। और मेरी टाइमिंग 11 बजे की है, 11 बजे रामपुर से चढ़नी थी, तो मैं दत्तनगर में हूँ तो 11:30 तक यहाँ पहुँचेगी। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर रोड को और फिर वहाँ पे कैब का वेट करते हैं और चलते हैं आज सोलन। अब कल से जो है आपको यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे क्योंकि अब कल से क्लासेस वगैरह स्टार्ट है। तो अब चले चले क्या, मैं चलता हूँ, मत जा मत जा हम तो चले जाओ भाई, जाओ अपने अपने घर जाओ, सब अपनी अपनी जगह जाओ सब। तो जाना तो पड़ेगा, अब आऊंगा मैं 6 महीने बाद। तू तो ऐसे लगा मुझे तड़ी पार हो गया, तू 6 महीने बाद तड़ी पार से मिलेगी परमिशन। अब मैं सीधा सेमेस्टर क्लोज करके आऊंगा। अच्छा फिर तू क्लोज कर से हो जाएगा तेरा, बीएससी है ना ये, फिर तू क्या करेगा, एमएससी देखते हैं फिर उसके बाद। तो जैम तो खिला दियो, अचार तो खिला दियो। ठीक है, बना के लाऊंगा नीचे रूम से। हां तो अभी चलते हैं, ड्राइवर को पहले कॉल करता हूँ कि कहाँ पहुँचा है, ऐसे नहीं कहीं निकल जाए और मैं बैठा रह जाऊँ। मैं नहीं, कॉल करेगा वो, पता नहीं, मैंने उसको कॉल तो किया था तू कि कर दे एक बार कॉल। हाँ तो मिलते हैं आपसे रोड में। नारकंडा पहुंच गए है और जो मैंने ऐप से बुक की थी, तो अभी हम नारकंडा पहुंच गए हैं। तो अभी यहाँ रुके थे थोड़ा वॉशरूम वगैरह के लिए, पानी वगैरह लेना था, जूस कर लेना था, तो उसके लिए रुक गए थे। और यहाँ से दिखाता हूँ सामने, यहाँ से है जी रामपुर 66 किलोमीटर। तो 66 किलोमीटर का ट्रैवल हम लोगों ने कर लिया है, 1.5 घंटा ही हुआ है अभी, तो ठीक है, बढ़िया है। तो ये कार है, सारी शॉप्स वगैरह नारकंडा में बंद है, बस एक दो शॉप्स खुली है, बाकी तो सारी मैक्सिमम बंद ही है, पूरा बाज़ार बंद है आज, तो पीछे भी सारा बंद ही है। जो है शाम के 5 बज गए और इस टाइम पर मैं सोलन पहुंच गया हूँ, सोलन बस स्टैंड में। यहीं तक जो है मैंने कैब बुक की थी, अब आगे वो चंडीगढ़ जाएंगे और यहाँ से मैं जाऊँगा बस में। अभी बस आई नहीं है, बस का वेट करूँगा, फिर वहाँ से रूम जाएंगे इकट्ठा करके। तो आप लोग सब डायरेक्ट मिलते हैं रूम में। यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा कल तेज शोर है, तो ज़्यादा ब्लॉगिंग यहाँ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि काफ़ी बैकग्राउंड में काफ़ी शोर आ रहा होगा, बस का कलते गाड़ियों का काफ़ी शोर आ रहा होगा। तो डायरेक्ट मिलते हैं रूम पर। सोलन बस स्टैंड की देता हूँ, तो ये है सोलन का बस स्टैंड, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा बस स्टैंड नहीं है। तो ये है सोलन का बस स्टैंड, यहाँ से जो है सारी बसें जाती है, जैसे चंडीगढ़ जाना हो या फिर अप लोअर हिमाचल कांगड़ा ऊना जाना हो, शिमला रामपुर रोहडू रिकांगपियो जाना हो, हरिद्वार जाना हो, और भी काफ़ी जगह है सोलन के एरियाज़ हो गए, धर्मशाला वगैरह हो गया, जितने भी है सारी बसें यहाँ से जाती है। और मुझे मिलेगी बस यहाँ से, जहाँ पे बीच में खाली स्पेस है, तो यहाँ पे बस अभी आई नहीं है, वहाँ लिखा है राजगढ़ हरिपुर धार कुपवी, तो यहाँ से मुझे बस मिलेगी, तो अभी है नहीं यहाँ पर बस।
सो फाइनली मैं जो हूँ रूम पर पहुँच गया हूँ और यहाँ पे आके जो है सुकून मिल रहा है। मतलब जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कहीं से आता हूँ, तो मतलब सुकून जो यहीं पे आके मिलता है। जैसे ही मैं सोलन ओझ घाट पहुँचता हूँ तब जाके ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं पहुँच गया हूँ। जैसे घर जाता हूँ तब जाके वहाँ पर जाके सुकून मिलता है, वैसे ही जब सोलन आता हूँ तो सोलन जाके सुकून मिलता है, जब घर जाता हूँ तो दत्त नगर पहुँच के सुकून मिलता है कि नहीं अब मैं पहुँच गया हूँ। तो अभी टाइम जो है 7 बजने वाले और 6:40 के करीब मैं शायद पहुँचा हूँ। तो 5:30 में बस चली थी और मुझे शूरनी तक की बस नहीं मिली। उसमें जाना था शूरनी, बस में मैंने आना था बट वो बस नहीं आई आज, जो लास्ट बस आनी थी। तो फिर मुझे राजगढ़ वाली बस में आना पड़ा, नौनी बस में आना पड़ा। तो फिर आधे रास्ते तक आया, फिर वहाँ से फिर अंशुल को बुलाया क्योंकि एक बैग बहुत ज़्यादा भारी था। फिर वहाँ से हम दोनों पैदल पहुँचे अभी। तो अभी सामान वगैरह अनपैक कर रहा था क्योंकि काफ़ी सारा सामान है, एक बैग तो इतना भारी था, उसमें जो है दाल वगैरह राशन पानी है तो 10 किलो से कम नहीं था वो वाला थैला। और ये रहा अंशुल। हेलो ब्रो। हेलो, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो बस अब ये खाना बनाएगा, इसने खाना बनाना, मैं थक गया हूँ। मैं तो बस सामान वगैरह जो है अनपैक करूँगा और रूम के बाहर चला है काम। इतनी ज़्यादा सीमेंट रेत वगैरह अंदर रूम में आई है ना, अभी बाहर से चल के आए अंदर को, तो मतलब धूल मिट्टी सारी, जब तक अब काम कंप्लीट नहीं होगा बाहर जो है। चप्पल गा के चल सारे में, नंगे पाँव चल कहीं भी, ये इसमें मिट्टी बहुत है। कोई बात नहीं, नीचे तो क्या नंगे पाँव चढ़ना, फिर बिस्तर पर गिर जाएगा सारा ये। चप्पल दे चढ़ने पूरी इस नीचे टाइल पे, लास्ट में जब सारा काम हो जाएगा बाहर तब चप्पो चक्का लगा लेंगे। बाहर जो है टाइल लग रही है अंडरग्राउंड, नीचे जो है जहाँ पे हम रहते हैं हमारे रूम के नीचे जो है पानी का टैंक है वाटर स्टोरेज के लिए। तो अब जैसे गर्मी आ रही है तो पानी की दिक्कत हो जाती है, तो फिर इसमें जो है टाइल वगैरह लग रही है। पहले सीमेंट था बट इसमें टाइल नहीं थी, तो अब जो है टाइल वगैरह लगेगी इसमें अच्छे से, तो फिर इसमें पानी बढ़िया फ्रेश स्टोर रहेगा। जब पानी की दिक्कत होगी तो यहाँ से पंप के थ्रू ऊपर चढ़ा देंगे। बाहर दिखाता हूँ कितना ज़्यादा वो है। रूम के पास ही यहाँ पे जितने बार बालकनी के नीचे जो है टैंक है, और पीछे को हमारे रूम साइड को भी वाटर टैंक है। तो टाइल वगैरह रखी है, सीमेंट वगैरह रखा है, तो काफ़ी कुछ रखा है यहाँ पे, सीमेंट है, रेत है, टाइल्स वगैरह। और ये टैंक काफ़ी बड़ा है वहाँ से नीचे, तो नीचे देखो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये तो साफ तभी होगा जब लगे चेक करने परफ्यूम। अच्छी है ना, मैं दोनों ही ले आया। हाँ अच्छी है इनकी। तो अभी जो है बैग अनपैक करूँगा, ये कपड़े वाला बैग है, इसमें जो है राशन पानी वगैरह दाल वगैरह लेके आया हूँ घर से, दाल तेल वगैरह। दिखाता हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या लेके आया हूँ घर से, जो रूम पे रहते हैं वो घर से ऐसे भर भर के सामान लेके आते हैं। अनपैक करेंगे सर आप इसको, अंदर किचन ले आया, किचन खोला, भारी कैसा है देखो। हम दोनों ने जो मतलब एक साइड, दोनों साइड से उठाया था, एक साइड से मैंने उठाया था, एक साइड से इसने उठाया था, तो इसमें तो काफ़ी कुछ भरा है। ओ सबसे पहले मेरी बेल्ट, सबसे पहले खाने के लिए, खाने के लिए बेल्ट, तुझे खाने खिलाने के लिए बेल्ट है, ये टाई नारंगी लाया था मैं थोड़ी सी। उसके बाद क्या है, चश्मा, हल्दी वगैरह लाई है, तेल के पाउच भी लाए मैंने दो, ओ पेन भी लाया हूँ मैं। ओहो ये नहीं दिखाना चाहिए, ये मेरी दवाई वगैरह है, दवाई अभी इसमें डाली है। ये दाल के पैकेट जो डिपो में मिलते हैं वो लेकर आया था, इसमें मैं दुकान से लाया हूँ दालें, तीन दालें इसके अंदर, चार दालें हैं इसमें, मलका है, राजमा है, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं और किनौरी राजमा है। इसमें मसाले वगैरह है, साबुन वगैरह हो गया, और बॉर्नविटा ले कर आया हूँ, वो पार वाला ख़राब हो गया है, हल्दी वगैरह, अचार, मिक्स फ्रूट लाया हूँ, मिक्स फ्रूट क्या हम मिक्स फ्रूट है हाँ, और इसमें घी, घी का डब्बा जो मेन है, परमानेंट बाल्टी भैया हमारी, और हाँ इसमें साइड मेरा सामान है, रहने दे, इतने सामान इतना सा है बट 10-15 किलो से कम नहीं है ये सामान जो भी है। दाल तेल ने इतना भारी कर दिया था ना ये। और अभी यहाँ पे इसमें राजमा लगाई है, अभी पहले बॉयल होगी फिर खाना बनेगा। तब जो है सारे सामान वगैरह सेट कर रहा था, जितना भी घर से लेके आया था ये भी लेके आया था घर से, दाल वगैरह तो सारे सेट करने को थी। तो अभी सारा सब कुछ सेट करके फ्री हुआ हूँ, कम से कम आधा पौना घंटा लगा मुझे ये कपड़े वगैरह पैक सेट करने में और किचन का सारा सामान सेट करने में। तो अब हो गया, अभी बना रहा है खाना, खाने बन रहा है आज राजमा की दाल, तो ये तड़का मार रहा है। अभी भी फ्री हुआ हूँ और ये घर से दिखाता हूँ क्या लेके आया है। घर से लेकर आया है ये पोई जो कि खुमानी की बनती है, इनको ही खा रहा था,
थैला भर के मेरी फेवरेट मामी ने भेजी है घर से इसके पास, और भेजी है इसके पास गरी, छुआरे भेजे हैं, इसमें अखरोट भी है काट के दिए हुए, और इसमें डिल्ली है जो मीठी गुटली होती है ना खुमानी की, वो दी है, तो काफ़ी कुछ दिया है। तभी मैं यही खा रहा था, अखरोट भी दिए है इसमें तोड़ के दिए है, तो ये खा रहा था, मज़ा आ गया खा के, इतने टाइम बाद खा रहा हूँ डिल्ली तो अच्छा लग रहा है। बाकी थक कितना ज़्यादा गया हूँ ना, जैसे लोग आते हैं ट्रैवलिंग करके आते हैं तो सीधे ही कपड़े चेंज करेंगे और सो जाएंगे, बट हमारा उल्टा ही है, पहले आना है, पहले चेंज करना है, फ्रेशअप होना है, उसके बाद जो है फिर पहले सारा सामान सेट करना है, उसके बाद जाके बैठना है। जब से आया हूँ तब से मतलब मैं अभी बैठा भी नहीं हूँ, पानी तक नहीं पिया मैंने, सीधे आके कपड़े चेंज किए और सामान सेट करने लग गया है। मुझे ऐसा होता है कि पहले सारा सामान सेट हो जाए उसके बाद फिर बैठ जाओ, नहीं तो फिर मेरे होता है ऐसे कि नहीं अभी हुआ नहीं पहले कर दूँ, नहीं तो फिर बात की अगर एक बार रह जाए फिर वो बात ही हो जाती है, उससे अच्छा है कि लगे हाथों जल्दी कर दो और फिर फ्री हो जाओ। तो बस ये सब था आज ऐसा ऐसा हुआ जो भी आपने पूरे ब्लॉग में देखा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ़।